कलकत्ता में देखी जा रही है, इसको लेकर आप लोग भी एक बड़ी हुजूम स्वागत करने के लिए जा रहे हैं। देखिए तो पहले तो हम बता देते हैं कि हमारे जो राजीव रंजन सर ललन बाबू हैं, हमारे क्षेत्र के वो सांसद भी हैं, बाढ़ से आते हैं और ऐसे तो वो पूरे देश के नेता हैं, पूरे प्रदेश के नेता हैं और हम लोग का जब से हम लोग के लिए बहुत ऐतिहासिक पल रहा तो हम लोग सुने कि हमारे ललन बाबू को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया, तो हम लोग उसी दिन से खुशी का माहौल था और आज हम लोग बढ़ करके हिस्सा लिए हैं पटना में। वो पहली बार जब अध्यक्ष बने तो पहली बार पटना आ रहे हैं, अभी दो लोगों का पहली बार पटना आ रहे हैं, उसके लिए आज पूरा पटना आप देख सकते हैं जैसा जी हम शायद हम लोग अपने जीवन काल में इस टाइप का कार्यक्रम को ले देते हैं। मेरा नाम रणवीर कुमार पंकज हुआ, निकनेम प्यार से लोगों में पंकज के नाम से जानते हैं और मेरा घर बार हुआ, हम मुंगेर लोकसभा क्षेत्र में आते हैं जहाँ के हमारे माननीय सांसद जो भी नवनियुक्त राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं ललन बाबू, वो उसी क्षेत्र से सांसद चुने जाते हैं जहाँ से कि वो पहले हमारे माननीय मुख्यमंत्री बार हुआ करता था नाम, हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी उस लोकसभा से नियुक्त होते थे वहाँ पर। क्या कैसे देखते हैं ये जो अब राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं जदयू के, कैसे देखते हैं आप, क्या देखते हैं उन्हें? देखिए हम लोग तो देख रहे हैं कि पूरे देश में एक लहर, एक क्रांति आने वाला है, है ना। वो जदयू के रूप में जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जब ललन बाबू बने हैं तो वो सिर्फ एक हम लोग युवा के चहेते नहीं है बल्कि हर समाज के, हर जाति, हर तबके के वो चहेते हैं और हर लोग में खुशहाली है। और आज देखने को आप देख लीजिए कैसा कहीं अभिनंदन का कार्यक्रम, ऐसा कोई ये कोई सोची समझी प्लानिंग का कार्यक्रम नहीं है, बस एक लोग का जो भी है हुजूम है और अपने खुद का व्यवस्था किया हुआ ऐसा कार्यक्रम है जो देखने का आपको लग रहा है कि पटना में कोई ऐतिहासिक अभिनंदन का कार्यक्रम होने जा रहा है। तो कैसा देखते हैं फ्यूचर बिहार का और जदयू का, कैसे देखते हैं आप फ्यूचर? जहाँ तक अभी का बात है, आप जब से ललन राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं हम लोग तो देख रहे हैं कि आज हमारा बिहार का पहले भी वो अगर बिहार सरकार में मंत्री रहे हैं या जो भी उनको दायित्व तो मिला है वो अच्छे से निर्वहन किए हैं और हम लोग जानते हैं कि जब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं तो उनका काम क्या है, पार्टी को मजबूत करना और जो पार्टी सिर्फ बिहार में है उसको पूरे देश में पार्टी को फैलाना और वहाँ से अपना मुख्यमंत्री चुनना और अपना जो उनका एजेंडा है, हमारे जेडीयू का जो एजेंडा है वो पूरे देश में, ये विचारधारा जो भी है उनका वो पूरे देश में फैलाना, यही तो उनका है। और हमको पूर्ण विश्वास है एक युवा होने के नाते कि जो हम लोग उनसे उम्मीद कर रहे हैं उससे भी वो खरा उतरेंगे। वो कुछ विशेष बोलना चाहते हैं आज के दिन के लिए आप? नहीं, बस हम चाहते हैं कि आज जितना हम संख्या में जुटे हुए हैं ललन बाबू के लिए, आज हम लोग चाहते हैं कि हम लोग सबका दुआ है कि वो और जितना हम लोग नहीं चाह रहे हैं उससे भी अच्छा करें देश में और मेरा प्रदेश का नाम हो, बिहार का नाम हो और जेडीयू जो आज ये क्षेत्रीय पार्टी है वो उसको राष्ट्रीय पार्टी के हर जगह उनको फैलाना है, उनको फैलाएंगे, यही हम उनसे दुआ करते हैं।